एक दिन पहले अमेरिकी बॉम्बर ने रूस की सीमा पर उड़ान भरी थी। आज नेटो ने बाकायदा उसका वीडियो जारी कर पुतिन को बहुत बड़ी चुनौती दी है। ये वीडियो जो जारी किया गया है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं और सीधे तौर पर ये एक चैलेंज रूस के सामने रखा गया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी बॉम्बर जो कि रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि हम ये जो बात बोल रहे हैं कि अब जो परमाणु टक्कर है वो ऐसा लग रहा है जिसे कहा जा रहा था कि हो नहीं सकता, लेकिन वाकई बेहद ही करीब ये नजर आ रही है। और यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। हालांकि इसको नेटो की तरफ से एक्सरसाइज का हिस्सा बताया गया है, लेकिन ये उड़ान पूरे दुनिया में दहशत मचाने वाली है। और आइए अब समझते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या और अब नेटो की ओर से अमेरिकी बॉम्बर का वीडियो जारी करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नेटो का शक्ति प्रदर्शन, चुनौती क्या है। नेटो ने जारी किया है USB-52 बॉम्बर का वीडियो, न्यूक्लियर बॉम्बर यूरोप में रूस की सीमा के बिल्कुल पास इसकी जो लोकेशन है वो है। ऐलान क्या है इसके जरिए कि हम यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं, ये इसके जरिए ऐलान और मैसेज दिया गया। अब चौंकाने वाली बात क्या है, नेटो प्रेस सर्विस की ओर से खुद कहा गया कि बॉम्बर रूस की सीमा पर उड़ा है। इसकी तस्वीर भी यहां पर आप देखिए, रूसी सीमा पर USB-52 बॉम्बर। चौंकाने वाली बात क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल रूस की सीमा से सटकर यानी कि रूस की सीमा के बेहद करीब जाकर यह उड़ता हुआ नजर आया है। समीर, बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसकी एक एक डिटेल करुणा ने आपको दी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एयर मार्शल राजेश कुमार आज हमारे खास मेहमान हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और रविंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं। कैप्टन श्याम, सबसे पहला सवाल आपसे, ऐसे वक्त में जब ये आसार लगातार जताए जा रहे हैं कि नेटो वर्सेस रशिया की सीधी टक्कर किसी भी वक्त हो सकती है, रूस के बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक ये उड़ान, क्या कहानी कह रही? ये तो मसल, जो कहते हैं ना मसल पावर दिखाना, ये तो देखिए दो डिप्लोमेट्स की विजिट हो रही है स्टेट टू स्टेट, मॉस्को में जिनपिंग बैठे हुए हैं, तो इस दौरान जब भी कैसे चाहे ताइवान की आप संदर्भ में देखें या वहां पे जब कोई डिप्लोमेटिक विजिट्स हुई हैं तो एक्सरसाइजेस शुरू हो जाते हैं, मिसाइल्स की परीक्षण शुरू हो जाती है और ये मसल फ्लेक्सिंग एक्सरसाइज करते हैं ये लोग। तो ये B-52 बॉम्बर का एक स्ट्रेटजिक बॉम्बर है, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर है, तो इसको स्पेस के पास घुड़ाना ये एक पोस्चरिंग है। तो बिल्कुल रविंदर सचदेव सर, क्या इसको ऐसा माना जाए कि एक तरफ जब शी जिनपिंग और पुतिन मुलाकात कर रहे थे उस वक्त उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश और बताने की कोशिश कि अगर आप अपनी ताकत बढ़ाएंगे तो हमारे पास भी ताकत है और उसका प्रदर्शन हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, बट उसके साथ एक चीज और भी है, ये जापानीज PM है यूक्रेन में, तो जापान को भी ये दिखाना और रीअश्योर करना कि देखिए अमेरिकन फोर्सेज और नेटो फोर्सेज जो दुश्मन है यानी कि इस केस में रशिया, उसके दरवाजे पे धकधका सकती है। सिमिलरली अगर यहां पर ताइवान को लेके जो भी बात हो रही थी या चाइना का कुछ हो तो हमारी रीच वहां भी होगी। बिल्कुल, और एयर मार्शल राजेश कुमार सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए ये बॉम्बर की उड़ान किसी और एयर स्पेस में भी हो सकती थी लेकिन इसको बिल्कुल रूस की सीमा के पास उड़ाया गया, वो भी तब जब जो हालात है बेहद ही सेंसिटिव है, एक भी मिसकैलकुलेशन परमाणु हमले को ट्रिगर कर सकती है। कैसे आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को? तो देखिए ये जो बॉम्बर है ये इसकी टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस टाइम शी जिनपिंग मॉस्को में है, किशिदा यूक्रेन में है, तो दोनों जैसे बताया गया है कि सिग्नलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ शो ऑफ स्ट्रेंथ भी चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली उनका जो ड्रोन मार गिराया है तो उनको कुछ रिटेलिएटरी एक्शन तो लेना ही था, और ये जो एक्शन है उसकी टाइमिंग भी यही तो दिखा रही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग की गई है US की तरफ से रूस के खिलाफ, कम से कम मैसेज देने के लिए, ठीक है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिकी B-52 बॉम्बर पर तनाव बढ़ता जा रहा है, US ने इंटरसेप्ट करने
के रूस के दावे को खारिज किया है। रूस का दावा दो अमेरिकी B-52 बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया। बाल्टिक सी में कल अमेरिकी बॉम्बर ने उड़ान भरी थी। रूसी बॉर्डर पर B-52 की उड़ान से तनाव बढ़ चुका है। दत्ता सर, ये सारी बातें हो रही है पोस्चरिंग की, लेकिन ये एक हाई रिस्क मोमेंट है। अगर कोई भी इस तरह की लाइन को ब्रीच करता है तो कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जो इस वॉर को एस्केलेट करके अगले लेवल पे ले जाए। क्या ये रिस्क अमेरिका समझता नहीं है या जानता नहीं है? देखिए, ऐसा कि जब से 2022 फरवरी से जंग शुरू हुई है, इसके बीच में दोनों अमेरिका, नेटो और रशिया, जो एडवर्सरी के तौर पे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इन्होंने अपना न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इनकी सबमरीन्स, इनके जो लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं, साइलोज हैं, और इनके जो एयर कैपेबल जो न्यूक्लियर बॉम्बर फ्लीट है, ये सारे के सारे स्टैंड टू में खड़े हैं। ये किसी भी वक्त अगर कोई एक मिसकैलकुलेशन होता है तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता है, एक बड़ा हादसा। और इस हादसे को लेकर सभी जानकारी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दुस्साहस ही कहा जाएगा जो इस वक्त में किया गया। और इस बीच बड़ी खबर ये कि यूक्रेनी MI-8 हेलीकॉप्टर ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है। S-8 मिसाइल फायर करता हुआ दिखा MI-8 हेलीकॉप्टर। यूक्रेन ने रूसी ठिकाने पर जबरदस्त अटैक किया और उस अटैक का वीडियो भी आपके सामने। यूक्रेन वॉर में फिर से बड़ी एटमी धमकी सामने आई। जी हां, रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने एटमी टकराव की चेतावनी दे दी। शोइगु ने कहा चंद कदम ही दूर है एटमी टकराव। तो दो तरह की बातें देखिए सामने आ रही हैं। कहीं मुंह में राम बगल में छुरी जैसी स्थिति तो नहीं है? रूस की और तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं उसका दायरा बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। और सरगेई शोइगु, रूस के डिफेंस मिनिस्टर, जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल अलग नजर आ रही है, वो तनाव बढ़ाने वाली नजर आ रही है। आखिर ये माजरा क्या है, तफसील से आपको समझाएंगे रवि। बिल्कुल समीर, एक तरफ तो पीस की बात हो रही है, एक तरफ तो युद्ध को खत्म करने के लिए फॉर्मूलाज की बात हो रही है, उसके लिए 12 सूत्रीय एक प्लान भी दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या चल रहा है, सवाल यही उठाइए। देखते हैं कि रशियन रक्षा मंत्री ने कहा क्या है। तो रूस के रक्षा मंत्री का ये एक्सप्लोसिव बयान है, रूस और पश्चिम में एटमी टकराव की आशंका बढ़ गई है। वो साफ तौर पर इसको यहां पर दिखाते हुए, कहते हुए, उसको मेंशन करते हुए, एटमी टकराव में बस कुछ कदम की दूरी बची है, शोइगु का कहना है साफ तौर पे। और ब्रिटेन से यूरेनियम वाले गोला बारूद की सप्लाई पर शोइगु का ये जवाब था, वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर से कुछ ही स्टेप्स पीछे हैं। पुतिन जिनपिंग ने एटमी वॉर टालने की बात कही, जबकि शोइगु ने एटमी वॉर तय बता दिया। यानी कि दोनों दो ऑपोजिट बातें करते नजर आ रहे। तो बड़े सवाल यहां पर क्या उठते हैं उस पर भी नजर डालना होगा। क्या एटमी टकराव पर पुतिन जिनपिंग ने सिर्फ दिखावा किया है? क्या यह सिर्फ और सिर्फ दुनिया को भ्रम में डालने की बात है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या सामने वाले पर ठीकरा फोड़कर दोनों पक्ष एटमी विकल्प खुला रखना चाहते हैं? इस ऑप्शन को लगातार एक तरीके से ओपन रखा गया है और उसके लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र सचदेव सर हैं। रविंद्र सर, इस पूरे कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? एक तरफ 12-पॉइंट पीस प्लान, दूसरी तरफ कभी भी मार देंगे न्यूक्लियर बम। एक तरह से दोनों चीजें जुड़ी हुई है भैया। वो 12-पॉइंट पीस प्लान है, शांति की टेंशन को कम करने की बात क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये खतरे हैं। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं। इस वॉर में खतरे हैं, डेंजर है, कुछ ही कदम है मिसकैलकुलेशन हो जाए या रशिया इतना पीछे पुशबैक हो जाए कि उसे लगे तो अब तो मेरा अस्तित्व खत्म है, मेरे को इस्तेमाल करना, या पुतिन को लगे अपनी पर्सनल रीजंस के कारण, क्योंकि पुतिन के खिलाफ देश के अंदर तख्तापलट भी हो सकता है, कुछ पता नहीं इस समय क्या हो सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए जो 12 पॉइंट पीस प्रोग्राम है चाइना का, अब अमेरिका कहती है ये तो गलत है, ये तो बायस्ड है रशिया की तरफ जी। पर अमेरिका जो अपना प्लान देता है वो रशिया कहता है भैया ये तो बायस्ड है, ये तो आप यूक्रेन के फेवर में बना रहे हो, राइट? तो दोनों तरफ, यानी रविंदर सर, ये तो क्लियर है कि कोई किसी की बात या कोई किसी का फॉर्मूला मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सभी को लगता है कि वो अपने फेवर में तैयार किया गया है। अब ऐसे में हालात सुधरेंगे कैसे, क्योंकि हालात तो और ज्यादा खराब हो रहे हैं। जिस मुलाकात पर दुनिया की नजर थी खबर, उससे चीन रूस की खतरनाक एटमी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। चीन की एटमी ताकत बढ़ाने में अब खुलकर मदद करेगा रशिया।
अमेरिकी लॉ मेकर्स को रूस चीन गठजोड़ पर गंभीर चिंता उन्होंने जताई है। यूएस न्यूक्लियर मोर्चे पर चीन की चुनौती का जवाब दे, अमेरिकी न्यूक्लियर मोर्चे पर बढ़त बनाने पर काम करे, ये सब कुछ कहा गया है। और एक तरफ दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सलाह और दूसरी तरफ चीन की आत्मी ताकत बढ़ाने में रशिया की मदद, एक डबल थ्योरी सामने आई है और उसके लेकर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति में शुमार अमेरिका अब चिंतित नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है और विपिन, इसीलिए इसे खतरनाक जुगलबंदी कहा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें लाने वाला है। आइए देखते हैं कि रूसी मदद से कैसे चीन के एटमी हथियारों को बढ़ाने की थ्योरी अब सामने आ रही है। रूस देगा सहारा, चीन बनाएगा एटमी जखीरा। अमेरिका की दो सबसे बड़ी चुनौती, चीन रूस की दोस्ती हमारे लिए चिंता की बात है। ये यूएस पॉलिसी मेकर्स के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं। रूस जितना फ्यूल देगा चीन उतना ही अधिक प्लूटोनियम का निर्माण करेगा, ये बताया गया है। चीन जितना प्लूटोनियम बनाएगा उतने ही एटमी हथियार तैयार करेगा, यानी आने वाले वक्त में एटमी हथियारों की होड़ सी मच जाएगी और चीन इसमें आगे निकलने की फिराक में। रूस को चीन हथियार देगा, बदले में न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाने में रूस पुतिन उनकी मदद करेंगे। चीन अपनी एटमी क्षमता बढ़ाकर अमेरिका से ग्लोबल सुपर पावर की पोजिशन दरअसल छीनना चाहता है और यही वजह है कि यह जुगलबंदी परवान चढ़ती हुई हम देख रहे हैं। मेजर जनरल दत्ता, किस तरह से आप इस बड़े डेवलपमेंट को देखते हैं और रूस और चीन का यूं नजदीक आना, यह खतरनाक जुगलबंदी आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाती हुई आपको नजर आ रही है? एक सवाल और जोड़ूंगा, क्या भारत के लिए भी चिंता का सबब है? देखिए, ऐसा कि जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स और प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, स्ट्रेटजिक सिचुएशन जी, ये एक नए डायनेमिक्स पैदा कर रही है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि रूस का डिफीट हो ये यूक्रेन के जंग में, जहां पर पूरा अमेरिका, नेटो और 30 मुल्क इकट्ठे एक तरफ हैं और रूस अकेला और ईरान की थोड़ी मदद, नॉर्थ कोरिया की मदद उसको मिल रही है। चाइना ने अभी तक डायरेक्टली कोई वेपनरी सप्लाई नहीं करी, लेकिन उसका जो मॉरल सपोर्ट है, उसका जो इंटरनेशनल इमेज, जो अभी पीछे इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन साहब को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, ये इनका पुतिन साहब के साथ खड़ा होकर दिखाना है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि रशिया और पुतिन अकेले नहीं हैं। और इसके एवज में एक्सचेंज तो होगा, रूस जरूर चीन की मदद करेगा ताकि अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा पाए और अमेरिका को एक काउंटर दे पाए। बिल्कुल, साथ साथ में अगर वो होता है तो हिंदुस्तान और चीन का भी जो हमारा आपस में टकराव है, हमें भी तैयार होना पड़ेगा, हमको भी अपनी कैपेबिलिटी। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर कई मोर्चों पर, यानी कि अगर चीन ताकतवर होता हुआ नजर आता है, खुद की न्यूक्लियर ताकत बढ़ाता है, तो ये टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है, चाहे अमेरिका हो या फिर भारत को भी इस पर और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन सब के बीच रूस चीन ने एटमी वॉर से बचने की बात कही है, तो एक तरफ आप देखिए अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ाने की बात बोली जा रही है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एटमी वॉर से बचना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए एटमी वॉर। इस स्टेटमेंट को जारी किया गया, दोनों देशों ने यूएस और उसके सहयोगियों को नसीहत दी है, यानी कि एक तरफ नसीहत और दूसरी तरफ वही काम किया जा रहा है जिस बारे में नसीहत दी जा रही है। बिल्कुल, और चलिए आइए देखते हैं कि रूस चीन ज्वाइंट स्टेटमेंट में एटमी वॉर के खतरे को लेकर और क्या क्या कहा गया है, क्या बड़ी बातें हैं इस स्टेटमेंट की। तो एटमी वॉर से तौबा, ये फिलहाल कम से कम इशारा दिया जा रहा है, हालांकि तैयारियां बिल्कुल इसके विपरीत नजर आ रही हैं। तो पहली बार ये दिख रहा है कि न्यूक्लियर टकराव के बेहद करीब पहुंच चुके हैं दोनों देश, ऐसे में इस बयान की क्या मतलब, हमें हर हाल में न्यूक्लियर वॉर से बचना होगा, ये एक बात कही जा रही है, ये आह्वान किया जा रहा है। एटमी युद्ध होता है तो इसमें कोई विजेता नहीं होगा, यानी सबकी हार है, तय करें कि न्यूक्लियर हथियारों वाले देशों के बीच युद्ध ना हो, एटमी हथियारों वाले देश मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें, एटमी ताकत वाले देश खतरे को कम करने पर काम करें, जिन देशों के पास एटमी हथियार हैं उन्हें जिम्मेदारी समझनी होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल विपिन यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वाकई में ये बड़े देश समझ रहे हैं?
बिल्कुल रवि, और देखिए यही वो डबल स्टैंडर्ड है जिसको समझना होगा। एक तरफ आप पैक्ट करते हैं कि न्यूक्लियर ताकत को घटाना होगा, दूसरी तरफ दुनिया को सलाह देते हैं, और तीसरी तरफ रशिया का जो जो रक्षा मंत्री है वो कुछ और कहते हैं। तो बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है, और क्या कुछ ये पूरी कहानी है, जो पूरा गेम प्लान है वो समझाने की आपको कोशिश करते हैं। दरअसल देखिए नसीहत क्या दी गई है, न्यूक्लियर पावर वाले देश अपने एटमी हथियार दूसरे देशों में तैनात ना करें। इशारा अमेरिका की तरफ है, देश से बाहर तैनात अपने अपने एटमी हथियार तुरंत वापस ले लें। नसीहत नंबर दो, तीन सवाल, क्या ये रूस और चीन की यूएस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है, जिसका कहा जा रहा था कि इशारे इशारे में चीन और रशिया मिलकर अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल नंबर दो, क्या रूस चीन किसी भी एटमी खतरे का ठीकरा यूएस पर फोड़ना चाहते हैं? और सवाल नंबर तीन, क्या एटमी दो देशों के दो खेमों के बीच तनाव बढ़ाने वाला है? बहुत ज्यादा तनाव, और उस स्थिति में एक नए गेम प्लान को बनाते हुए नजर आ रहे हैं चीन और रूस। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। रविंदर सर, आप जब इस एडवाइजरी को देखते हैं, इस नसीहत को देखते हैं, तो क्या समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और यह भी समझाइए कि इशारा अमेरिका की तरफ है, अपनी एटमी ताकत को बढ़ाओ, चीन को सपोर्ट करो, और एडवाइस अमेरिका को करो। जी हाँ बिल्कुल है, दो बिग पिक्चर हैं। देखिए एक तो जहाँ तक रही रेस की कि चाइना अपने न्यूक्लियर बढ़ाएगा, चाइना के पास अंदाजन अभी करीब 300-350 वेपन्स हैं, अमेरिका के पास करीब 6000, रशिया के पास भी करीब 6000 थोड़े से ज़्यादा हैं। चाइना का एम है 2030 तक 300 से बढ़ा के 1000 न्यूक्लियर वेपन करने। अब अमेरिका कहता है कि अगर चाइना बढ़ाएगा मैं भी बढ़ाऊँगा। भैया आपके पास 6000 तो ऑलरेडी है, बढ़ा लो, कितने बढ़ा लोगे आप, राइट? तो ये एक बेमतलब की काइंड ऑफ कंपैरिजन है, बट हाँ सिग्नलिंग है और नीड है, दैट इज वन। सेकेंडली ये जो बात है कि दूसरे देशों को न्यूक्लियर वेपन ना दिया जाए, ये इंडिकेशन डेफिनेटली अमेरिका को लेकर के है, क्योंकि नेटो की कुछ कंट्रीज हैं जिनके अपने तो हैं, बट कुछ कंट्रीज में हो सकता है अमेरिका ने बेस कर रखे न्यूक्लियर वेपन। तो ये एक टॉकिंग पॉइंट, आर्ग्यूमेंट पॉइंट है, और वैलिड पॉइंट दिखता है कम से कम लॉजिकल, कि भाई तुम्हारे पास हो तो हो, जो भी देश हो, चाइना हो, अमेरिका हो, नॉर्थ कोरिया हो, भारत हो, बिल्कुल, जिसपे न्यूक्लियर वेपन्स अपने घर पे रखो, दूसरे देशों में मत दो। पुतिन ने चीन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, चीन की कंपनियों को देश में हर सुविधा देने का ऐलान किया है, पश्चिमी कंपनियों की जगह लेंगी चीनी कंपनियां, रूसी राष्ट्रपति का ऐलान, लिखेंगे रिश्तों की नई इबारत। तो ये वो पुतिन का प्लान है जिसके जरिए वो अमेरिका के हर सैंक्शन का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकन कंपनीज को बैन किया गया रूस में, वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, ताकि जो भी एक प्रोजेक्टेड लॉस की बात कही जा रही थी उसकी बड़ी भरपाई की जा सके। और बिल्कुल देखिए रवि, पहले से इस बात की पूरी संभावना जाहिर की जा रही थी कि जो ये दौरा होगा 22 तारीख तक का, इसमें फाइनेंशियल और जो बिजनेस टाइज हैं उन्हें और ज्यादा मजबूत करने पर भी फोकस होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे पुतिन ने बीजिंग के लिए अपने देश को पूरी तरह से खोल दिया है बिग वॉल के जरिए। यह इंफॉर्मेशन, चीन के बिजनेस को रूस में हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। और क्या बड़ी बात निकल कर आ रही है, रूस छोड़कर गई पश्चिमी कंपनियों की जगह चीन की कंपनियां ले लेंगी, चीनी कंपनियों को एनर्जी सेक्टर में जो भी चाहिए वो सुविधा दी जाएगी। और खास बात क्या, हम चीन के साथ रिश्तों के एक नए दौर में पहुंच रहे हैं। पहले ही पुतिन ने बोला था कि ये जो दौर है वो चीन और रूस के संबंध अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। 2022 में रूस चीन व्यापार 30% तक बढ़ गया है, और अब इसमें और तेजी के साथ इजाफा होगा। 2023 में चीन रूस व्यापार $200 अरब तक होगा। इसके अलावा क्या जानकारी, कई मोर्चों पर मजबूत रिश्ते का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को भी मिलेगा, यह जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। रविंदर सचदेवा सर, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि संभावना तो थी कि इसमें युद्ध तो एक मैटर हो सकता है, लेकिन कैसे बिजनेस और जो फाइनेंशियल संबंध है उन्हें मजबूत किया जाए, प्रगाढ़ किया जाए, और अब वही खबर सामने आ रही है, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? और डेफिनेटली ऐसे होनी थी, होगी, होके रहेगी। रशिया के अंदर 14 जो टॉप सेलिंग कार्स हैं उस समय, उनमें से 11 टॉप सेलिंग चाइनीज हो गई हैं। सारा चाइनीज बिजनेस स्टेप इन कर रहा है, वन, रशिया को चाहिए, वेस्टर्न कंपनीज नहीं है, वॉट एवर एटसेट्रा, दैट्स वन। सेकेंडली देखिए, रशिया को चाइना चाहिए, परंतु चाइना को भी रशिया चाहिए, आप याद रखिए। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के साथ कोई बड़ी पावर नहीं खड़ी है,
चाइना अकेला है बाय द वे, राइट। लेकिन अब रूस खड़ा हुआ नजर आ रहा है। राजेश कुमार जी, मुझे ये बताइए कि रूस और चीन के संबंध तो बहुत लंबे समय से अच्छे रहे हैं, मजबूत रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच रही है सोवियत संघ और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जमाने से, लेकिन आज ये रिश्ते जो नजर आ रहे हैं इसे आप मजबूरी मानेंगे, वक्त की जरूरत मानेंगे, या फिर कुछ बहुत बड़ा होता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, ये मजबूरी है, वक्त की मजबूरी है। बीच में खटास भी बहुत बार आई है चीन और रूस के बीच में 60s में, और फिर जब अमेरिका की तरफ गया चीन, जब अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आने लगी तो उसका यही मकसद था कि चीन और रूस के बीच में जो खटास है उसका फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन जिस तरह से अब ये सिचुएशन आ गई है यहाँ पे, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है और सारे रॉ मटेरियल्स रशिया से आएंगे और सारी चीज़ें चीन में बनकर और वो रूस में बेची जाएंगी, तो ये तो बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और जो न्यूक्लियर जो कोऑपरेशन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर रूस उन चीन की मदद करेगा 300 से 1000 एटमी हथियार बनाने की, तो इसका और दोनों देशों का जो अकेलापन है शायद यही उनकी मजबूरी है और यही इस दोस्ती की मजबूती भी उसकी बुनियाद बनाता हुआ नजर आ रहा है। जिनपिंग ने भी रूस के साथ नए रिश्तों की बात की है, कहा चीन और रूस के रिश्ते बेहद मजबूत हो रहे हैं, रूस के साथ हर क्षेत्र में पार्टनरशिप के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे मजबूत रिश्ते दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, जिनपिंग का यह बयान। तो देखिए, दोनों ओर से दोस्ती की कस्में खाई जा रही हैं। कुल मिलाकर चीन और रूस जिस तरीके से एक दूसरे के करीब आए हैं उससे कुछ गंभीर सवाल जहन में आते हैं। चीन रूस का डेडली कॉकटेल इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या जिनपिंग ने पश्चिम और रूस की टक्कर में चीन के लिए मौका तलाश लिया? क्या रूस का व्यापारिक इकोसिस्टम चीन के हवाले होने वाला है? क्या रूस के अथाह एनर्जी भंडार की कीमत पर चीन और बड़ी ताकत बन जाएगा? क्या चीन रूस का मजबूत रिश्ता पश्चिम के लिए सिरदर्द बनने वाला है? क्या यूक्रेन वॉर में पश्चिम की भूमिका ने एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म दे दिया है? कैप्टन श्याम, किस तरह से आप देखते हैं इस दोस्ती को परवान चढ़ते, और जिसका जिक्र इस शो में इससे पहले भी हम कई बार करते आए हैं कि इस जंग ने बहुत हद तक वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश की है, आने वाले वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है, वो अब होता हुआ देख रहे हैं क्या? फिल इन द गैप्स, मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। फिल इन द गैप्स, ये जो जेलेंस्की और पुतिन की लड़ाई है, इस पे यूएस और नाटो, इनका एक जो नया विश्व में आपने देख रहे एक पैरेलल जो चल रही है समानांतर घटनाएं, उसमें जिनपिंग को एक जगह मिली है, क्योंकि उनको रशिया की पार्टनरशिप पहले से भी थी। अब ये जो आप एनर्जी सेक्टर की पार्टनरशिप की बात करें तो वो कह रहे हैं, मैं तो इसको स्ट्रेटजिक विजिट मानता हूं। जब मैं ये देखता हूं कि वो कोई डायरेक्ट सप्लाई वेपनरी का नहीं करना चाहते, ये कह के जाते हैं कि मैं समझौता कराने जा रहा हूं। बताया तो गया था कि फ्रेंडशिप विजिट है। यस, और मैंने भी कहा था पिछली बार कि वो पता ना क्रीमिया ना चले जाए, ऐसा ना हो कि क्रीमिया या कहीं डॉनबॉस्क में नजर आए। रविंदर सर, लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं चाहूंगा कि आप उस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालें। चीन का रूस के साथ आना सिर्फ चीन का ही आना, एक देश का आना तो नहीं है, क्योंकि चीन ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े देशों को लगभग अपने कब्जे में रखता है, उन एरियाज पर कंट्रोल रखता है। क्या ये सब भी एक एडेड एडवांटेज रूस को मिलेगा? डेफिनेटली, देखिए इसमें डायरेक्ट चाइना का नहीं, परंतु इस समय दुनिया में करीब 50 देश हैं जो इस वॉर को और सैंक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, काफी सारे देश न्यूट्रल हैं, भारत जैसे भी, राइट? तो चाइना और रशिया का जितना क्लोजर होगा, जितना ये स्ट्रॉन्गर एक एंटी वेस्ट पोल बनेगा, उतना ये जो थर्ड पोल है, राइट, इसको ज्यादा स्पेस मिलेगी, इस पे प्रेशर कम आएगा, तो ये एडवांटेज दूसरे देशों को मिलेगा और उसी का फायदा चाइना उठाता हुआ नजर आ रहा है। कीव में ज़ेलेंस्की से मिले जापान के प्रधानमंत्री, ज़ेलेंस्की ने किशिदा को बताया पावरफुल नेता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जापान को कहा खास दोस्त। किशिदा के यूक्रेन दौरे की टाइमिंग को बेहद अहम करार दिया गया है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की और फूमियो किशिदा की मुलाकात की तस्वीर, खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आइए जापानी पीएम
किशिदा के दौरे की अहमियत क्या है, ऐसे वक्त में इसको समझना बहुत जरूरी है। जापान की चिंता क्या है और क्या इसी चिंता को देखते हुए कीव पहुंच गए यूक्रेन की राजधानी किशिदा। जिस वक्त जिनपिंग मॉस्को में थे उसी वक्त किशिदा कीव पहुंच गए। पिछले कुछ वक्त में रूस और जापान में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ साथ रूस चीन के बीच बढ़ती नजदीकी जापान के लिए भी बड़ी चिंता का सबब हो गया। चीन, रूस और उत्तर कोरिया से दुश्मनी जापान पर भारी पड़ सकती है और यही वजह है कि जापान रूस के खिलाफ मुखर है और पश्चिम के साथ एकजुट है। दत्ता सर, मेरा रिएक्शन इन तस्वीरों पर है। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, फूमियो किशिदा का जाना, ज़ेलेंस्की से मुलाकात करना, ये क्या बतला रहे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे दोनों ही मोर्चों पर जो गठजोड़ है इसे और मजबूत करने की कोशिशें हो रही है। देखिए, ऐसा कि ये डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है बाय अमेरिका, नाटो और जो वो इनके अलाइज हैं। अभी दूसरी हमको अंदर से एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जापान के जो जो लीडर अभी गए हैं अपना यूक्रेन में, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी से मिलके वो गए हैं। अभी हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। या तो ये अलग अलग खेमों की पोस्टरिंग है, या ये दोनों तरफ से एफर्ट है कि किसी तरह से जंग को रोका जाए, इसको स्टैंड सील किया जाए, उसके बाद उसको नेगोशिएट किया जाए। तो इनको आप दोनों तरीके से देखना चाहिए आपको एज एनालिस्ट कि क्या ये एक जंग को रोकने का एक एफर्ट है और क्या ये दो खेमों में बंटने का एफर्ट है। जहां तक जापान का सवाल है कि नॉर्थ कोरिया से उसको थ्रेट है, रशिया से थ्रेट है, अमेरिकन उसके ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो एक अलायंस है, लेकिन वो जबरदस्ती थोपी हुई है जापान के ऊपर। जापान एक इंडिपेंडेंट नेशन था, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसके ऊपर जो बैन, रूस ने तो जापान और चाइना में से चीन को चुन लिया है ना, इसमें तो आप कोई शक और शुबा नजर नहीं आता। बिल्कुल, जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है फिलहाल वो रशिया और चीन की है। बिल्कुल, और वो साफ तौर पर नजर आ रही है।